हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत स्पेसिफिक मैटर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। मुझसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनकी एज 30-35 है या उससे भी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस 5-10 ईयर का है, बहुत सारे कैंडिडेट से मैं कई बार पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ कि सर हमें R2R में 5-10 ईयर का एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स पेबल में है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ बैंक्स में काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक करियर प्रोग्रेशन के लिए देख रहे हैं। चाहते हैं आप कि आपका प्लेसमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में हो जाए या आप एक टॉप लेवल टॉप मैनेजमेंट की प्रोफाइल को अचीव करना चाहते हैं, तो कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा, किसको आप एक टाइम पीरियड में कंप्लीट कर पाएंगे, उसके इंटरनेशनल प्रस्पेक्टिव्स क्या होंगे, क्या पैकेज हो सकता है, कितनी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, ये सारे एज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का मैं आज आपको आंसर इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, आप इसको पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने उन कैंडिडेट का एक्सपीरियंस जिनकी एज भी काफी ज्यादा थी, 5-10 ईयर का एक्सपीरियंस भी था और उन्होंने अपनी स्किल को अपग्रेड किया और आज वो किस प्रोफाइल पे काम कर रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए, जिससे कि हमें फीडबैक मिल सके, बिकॉज बहुत ज्यादा हार्डवर्क होता है इन वीडियोज को बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, बीइंग ए वर्किंग प्रोफेशनल सबसे बड़ा चैलेंज आता है अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए, अपनी फैमिली रिस्पांसिबिलिटी को पूरा करते हुए, कोर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करके, एक समय से टाइम पीरियड से उसको पास करना। तो देखिए, आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको ऐसा कोर्स चाहिए जो लेस देन 2 ईयर या 12-15 मंथ और समटाइम 6-8 मंथ में जिसको आप अचीव कर सकें, क्योंकि देखिए अगर बहुत लंबे टाइम हो जाएगा ना तो कहीं ना कहीं एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क हैक्टिक वर्क शेड्यूल के कारण स्टूडेंट बीच में कोर्स को ड्रॉप कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अपना करियर देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि विद इन 1 ईयर हम एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन को अचीव कर लें, तो गाइस USCMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये प्रोफेशन आपको ग्लोबल हाइट्स देता है, ग्लोबल रीच देता है। क्योंकि देखिए USCMA की ब्यूटी इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स, US GAAP, IFRS का आपको एक कॉम्बो नॉलेज, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का नॉलेज मिलता है और विथ दी क्रेडिबिलिटी। तो देखिए, जहां क्रेडिबिलिटी आ जाए, जहां इंडस्ट्री स्पेसिफिक आ जाए और जिसकी रीच ग्लोबल हो, अब बहुत सारे कैंडिडेट कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ कंट्रीज में मूव ऑन होना चाहते हैं, तो गाइस डेफिनेटली USCMA अलोन एक इकलौता फाइनेंस और अकाउंटिंग का प्रोफेशन जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो क्रेडिबिलिटी देता है और आपको एक्सेप्टेबिलिटी देता है, जिससे कि आप प्रमोशन के लिए देख सकें, आप कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं गाइस। तो अगर आपके पास एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन क्रेडिबल प्रोफेशन होता है, तो आपको मैनेजमेंट की प्रोफाइल में अच्छी जॉब मिल सकती है। अब बहुत सारे कैंडिडेट एक मोनोटोनस जॉब कर रहे हैं, एडमिन में काम कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग में काम कर रहे हैं, कुछ R2R में काम कर रहे हैं, तो आपका ड्रीम क्या होना चाहिए, यू वॉन्ट टू वर्क विद दी ग्लोबल कंपनीज लाइक JP Morgan, मॉर्गन स्टैनली, वर्ल्ड बैंक, फेसबुक, अमेजोन, वॉलमार्ट, पेप्सिको, HSBC, इन बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ में अगर आप काम करना चाहते हैं तो USCMA आपको वो प्रोफाइल को अचीव करने में हेल्प करता है। सो डेफिनेटली गाइस, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में USCMA से बढ़िया प्रोफेशन आपके लिए नहीं हो सकता। सो गाइस देखिए, एक बीकॉम अलोन या एमकॉम या एक मीडियोकर कॉलेज से किया गया MBA ना तो आपको वो कॉन्फिडेंस देता है, ना वो स्किल क्रेडिबिलिटी,
तो इसके कारण आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है। आप कंपनीज को चेंज करने की सोच रहे हैं, लेट से आज आप एक्सेंचर में काम कर रहे हैं, जेनपैक में काम कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड बैंक के साथ काम करना चाहते हैं, एचएसबीसी बैंक में काम करना चाहते हैं, या आप किसी इंडियन डोमेस्टिक बैंक में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं किसी कॉरपोरेट बैंक के साथ आपको काम करने का मौका मिले, यू नीड क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास किसी इंटरनेशनल कोर्स, इंटरनेशनल डेजिग्नेशन ना हो। तो इसीलिए मैं बार बार हर वर्किंग प्रोफेशनल जिसको 5-10 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, एक बात कहता हूं, आपके पास कुछ प्लस पॉइंट है, आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप टीम को मैनेज कर सकते हैं। तो एक कंपनी हमेशा ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करती है जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, स्टेबिलिटी हो, कि आपने 10-15 ईयर अच्छी जॉब की हुई। आप अपनी स्किल को इंप्रूव कीजिए, बिलीव मी, ना केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनली आप अपने करियर को स्टेब्लिश कर सकते हैं। इंडिया में जो आपको पैकेज मिल रहा है उससे आपको एक्स्ट्रा पैकेज मिलेगा कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया में, आपकी लाइफ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्सेज को करने के बाद इंप्रूव होगा। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट जो इंडिया में 40-45,000 या 50,000 में भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो दुबई में बहुत अच्छे लेवल के पैकेज को अचीव कर रहे हैं। तो आपको चेंज लेकर आना होगा, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि ये प्रोफेशन आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और एक अच्छी बात और, यूएससीए में एक अकेले इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है कि आप सर्विस सेक्टर में हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या बैंकिंग में काम कर रहे हैं, वैरायटी हर इंडस्ट्री के स्पेसिफिक आपको यहां पर नॉलेज मिलेगा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन दो ही ऐसे राइटिंग है, वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, जहां आपको चीजों को मगअप नहीं करना है, लंबे लंबे राइटिंग नहीं करना है, तो शॉर्ट टर्म में वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मुझे लगता है कि 2022 में दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। आप इसको अचीव कीजिए और फिर देखिए कि आपके पास कंपनीज की कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, कितनी आसानी से आप आपकी इंडस्ट्री को क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। तो AKPIS इंस्टीट्यूट का ये कमिटमेंट, ये आपको एक हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप अगर इन प्रोफेशंस को अचीव कर लेते हैं डिप्लोमा इन IFRS और USCA में, आप में एक बहुत अच्छे लेवल का वैल्यू एडिशन हो जाता है, और ये वैल्यू एडिशन आपको एक अच्छी कॉर्पोरेट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करने में हेल्प करता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।